मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी को मैं आदर पूर्वक निमंत्रण देता हूँ यहाँ काव्य पाठ करने के लिए। माँ सरस्वती को नमस्कार करते हुए मैं सब प्रबुद्ध जनों को नमन करती हूँ, उनका आदर करती हूँ, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे उन सबको सुनने का मौका मिलेगा। मेरी बहुत छोटी छोटी सी कविताएं हैं, ज़्यादातर मैं प्रकृति पे लिखती हूँ, लेकिन आज मैं वो नहीं सुना रही हूँ, कुछ नारी से संबंधित कविताएँ, क्योंकि हम नगरों में देखते हैं कि नारी की स्थिति बहुत सुविधा संपन्न हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आज भी हमारे देश की जो जनसंख्या है, गाँव में रहती है, छोटे कस्बों में रहती हैं, उनकी नारियों का क्या हाल है, उसका छोटा सा एक वर्णन मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। पुस्तक के हाशिए पर जीती हुई आज भी नहीं जानती आधुनिक नारी अपने जीवन का उद्देश्य। पुस्तक के हाशिए पर जीती हुई आज भी नहीं जानती आधुनिक नारी अपने जीवन का उद्देश्य। कभी शापित अहल्या सी, कभी परित्यक्ता गोपा सीता सी, कभी बन शकुंतला भुला दी जाती है, कौन पहचान पाता है उसकी अस्मिता। कभी बना दी जाती है देवदासी, कभी नगर वधु आम्रपाली या वासव दत्ता, कौन बनेगा अब उद्धार करता, अब कहाँ है बुद्ध या उपगुप्त। शरणागत होंगी आज की आम्रपाली या वासव दत्ता, आज भी हो रहे हैं नारी पर अत्याचार, जघन्य आघात बीच प्रांगण में सरे बाजार। वह बेटी, बहन, प्रेयसी या माँ, क्या है उसके होने का आधार। उत्तर अब भी शेष है, उत्तर अब भी शेष है। एक दामिनी के समय से जो हमारे देश में घटित होता आ रहा है, और हम या तो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल देते हैं और अपने घरों में थोड़े बहुत दुखी होते हैं सुनकर सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं जा रहा, और ये घटनाएं दिन पर दिन जो हैं बढ़ती चली जा रही। छोटी सी कविता है। नश्तर चुभा है, नश्तर चुभा है, सीने में दर्द तो हुआ होगा, मेरी जान न सहम कुछ खून भी बहा होगा। छिपकर घर में बैठे थे जो लोग जमाने भर के, दिल से उनके दिल में उनके भी जरूर कुछ न कुछ तो हुआ होगा। लुट रही थी इज्जतें उनकी घरों में बाहर भी, सियासतदारों ने कुछ फैसला तो किया होगा। कल भी बरपा था हंगामा, आज भी बरपा है, जरूर कुछ मासूमों का कत्ल तो हुआ होगा। मुंह ढक के बैठने से बदलती नहीं तकदीरें, सड़कों पे उतर करने का कुछ जज्बा तो जगा होगा। रात भी ढलती रही, भीगती रही आंसुओं से, जरूर उनकी गली में कुछ हादसा हुआ होगा। पता है उनको कुछ मतलब नहीं है गैरों से, ये आम जनता के लिए बात कह रही हूँ मैं, पता है उनको कुछ मतलब नहीं है गैरों से, फिर भी दिल पर उनके कुछ असर तो हुआ। एक छोटी सी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।